कुछ बोलेगा? नहीं बताएगा पास में था, दिख गया इसलिए है। चांस था। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और 6 बजे। हमें कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट से एंट्री करना है, तो चलिए चलते हैं। और साथ ही मैं दिखा दूँगी हमारा रिजॉर्ट चंदन मोटल। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं। चलिए, और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सब तैयार हो रहे हैं अंदर और मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये है मेरा घर और अभी लिटरली बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो चलिए अब चलते हैं। सब गाड़ी में बैठ गए हैं। इतना ज्यादा कोहरा हो गया कि रोड नहीं दिख रही है। ये है मोटल चंदन, अंदर चलते हैं। तो सारे लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं और होटल का टूर मैं सुबह कराऊंगी। सुबह मतलब दिन, थोड़ा रोशनी पे, आफ्टरनून पे। अभी 6:30 हो रहे हैं टाइम। तो ये चलते हैं। मैंने बाइनोकुलर ले लिया है, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। तो चलते हैं। ये है गेट 208। ये है कुछ ऐसा। तो ईशु, आज टाइगर दिखेगा? उस दिन तो अजगर नहीं दिखा था, अजगर दादर में। फिर क्यों जा रहा है? सब जा रहे। तू यही जा, जा फिर यही रुक जा। फिर कुछ बोलेगा? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्या मेरे पास बैठेगा? नहीं बोलेगा। तो पीछे की तरफ गेट है, खटिया गेट, और ये बहुत ही नियर है चंदन मोटल से। और सामने है कला दीर्घा। दिमाग का घर है। ये है रोटेशनल फेसिंग।
ट्रेडिशनल ड्रेस भी है। हम लोग यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, पीछे मम्मी पापा लोग हैं। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से टाइगर ने ना वो खींच कर लेके गया है, ये यहाँ से टाइगर के पैरों पे छोड़ दिया होगा, बाद में खाएगा वो आराम से आके, है ना, आज इधर ही रहेगा वो, टाइगर के पैरों पे निशान। ये कहाँ है, थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है वो, हाँ वो उधर हाइट पे भी है, पानी पी निकले आए, मुझे तो दिखे नहीं रहे, वो वहाँ बैठा है, वो दिख रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट दिख रहा है, दिख रहा है, फिर वो ऊंचाई पे भी है, एक मिनट में देख लेती हूँ, ये पंजे के निशान है, ऊंचाई में देखो तो रेत के वहाँ ढेर में, ये यहाँ पे हाँ उसके नीचे पग मार्क, हाँ उसके नीचे यहाँ पे है, टाइगर दिख रहा है, इतने सारे टाइगर लाइन से चल रहे हैं। शोर नहीं, टाइगर दिखा है नहीं हमें, नया टाइगर T5 का, ये इतना यूज क्यों नहीं है गाड़ियों से, गाड़ी के क्राउड देख के जल्दी से भाग जाता है, दूसरा टाइगर होता तो आराम से और शो करते रहते हैं, इधर ध्यान रखना है वो ऐसे भी कैसे। मोबाइल चालू रखना एकदम से भागेगा वो निकल के, ये निकलेगा, ये निकला निकला बोर्ड को निकला, देखो रोड से नदी में बैठा हूं मैं, देखी बैठी निकाली है, अरे निकाली है ना, इस तरफ चला जाए, गया यहां रोड पास पास में दिख गया, चांस था, हां ये टाइगर वाला तो इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ। कहा जाता है कि श्रवण कुमार जब अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था तो यह तालाब के किनारे रुका था। राजा दशरथ एक कुशल शिकारी थे और केवल ध्वनि सुनकर निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध थे। ये उस समय यहाँ शिकार पर आए हुए थे। श्रवण कुमार द्वारा तुमड़ी में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को भ्रम हुआ कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उसी दिशा में उन्होंने तीर चला दिया जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि दशरथ की मृत्यु भी उन्हीं के समान हो, अर्थात जब वे मृत्यु सैया पर हो तो उनका प्रिय पुत्र उनके पास ना हो। अब हम आ गए हैं कान्हा के म्यूजियम, आज यहाँ बहुत ठंड है, और दी आपको टाइगर दिखा था आपकी गाड़ी को, तो हम आ गए हैं कान्हा नेशनल पार्क, ये यहाँ की कैंटीन है और यहाँ पे ये म्यूजियम बने हुए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ।